جس وقت سے پیش مار بناتی ہیں، اس لیے میں مقدس مریم ہمیشہ ہمارے سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خدا رحمت کا ہے، اے مسیح رحمت کا ہے، اے خدا رحمت کا ہے۔ ہمارے لیے فخر کا سبب ہے کہ تو بھی ہمارا خالق اور مالک ہے، بس اپنے بندوں کی طرف توجہ کر، اپنی پہلی نعمتیں بحال کر اور بحال کر تم نے قائم رہ۔ مسیح خدا کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کے میدان میں اپنے خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ Thank you.
उसने कहा
मैं ये करूंगा कि अपनी कोठी लाऊंगा और बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना तमाम अनाज और माल जमा करूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ मेरी जान, कि तेरे पास बहुत सा माल बहुत वर्षों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। वह खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर दी जाएगी, पर जो तूने तैयार किया वो किसका होगा। ऐसा ही है मुझे अपने लिए खजाना जमा करता है और प्रताप की नदी दौलत बनाती है। जीरे मुकदस के वसीले से हमारे गुलाम माफ किए जाए। मसीह खुदा मेरे अजीज भाई बहनों, प्यारे बच्चों और बुजुर्गों, आज हम साल के दौरान में प्रकार में इतवार की इबादत में शामिल है और आज कई तलाकों को जो मरकजी ख्याल या मौजू है मुझे है कि हम इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के बुलाते हैं, हम आखिरत पर जो इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी है उस पर दयालु ज्ञान नहीं करते। खुदा हमें दोबारा से मौका देता है कि हम अपने आने वाले आज की पहली तलाश की किताब जो बहुत छोटी किताबों में से है, लेकिन इसका जो मौसू है, जो मरकजी ख्याल को पेश करता जावे की किताब में, वो ये बताना चाहता है कि दुनिया में सब कुछ फ्रेब, मतलब इस दुनिया में फ्रेब है, लालच है, ये वो सारी किताब का राइटर जो है सारा कुछ करता है। ऐसे ही है जैसे एक इंसान दिन रात लगातार मेहनत करता है। जैसे एक बादशाह है, वो ऐलान करता है और सबसे कहता है कि जो चाहे एक घंटा वक्त है आप जो चाहे ले सकते, और हर बंदा भागता है कि मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, जो जो किसी के हाथ में आता है ले सकता है। और एक बंदा सिर्फ इसी इंतजार में है कि वो बादशाह के पास खड़ा हो जाता, कहता है बादशाह से, कहता है सारे जो तुम के हाथ में लेके जा रहे हो तू क्यों नहीं जा रहा। वो कहता है मैं बादशाह को ले जा रहा हूं। जिसके पास बादशाह है तो उसके पास सब कुछ है, जिसके पास जिंदगी की बातें है वो सब कुछ दे सकता है, वो सब कुछ बरकत दे सकता है, वो सब कुछ इंसानों में मुंतकिल कर सकता है। मेरे जरूर एक बार एक कहानी जो है वो पेश की गई। एक बंदा था, उसको कहा गया कि तेरे पास एक घंटा है और एक घंटे में जो तू चाहता है वो ले, जिस जिस चीज पर तू हाथ रखेगा वो तुझे दे देगा। वो हर चीज पर हाथ रखता है, बाजारों पे हाथ रखता है, बड़ी आलीशान कोठी है उस पे हाथ रखता है, अगर वो पेट्रोल पंप पे हाथ रखता वो भी उसका हो जाएगा। मतलब एक घंटे के अंदर वो भागता रहता है ताकि किसी न किसी चीज को वो हाथ रखे। और जब वो सारा कुछ जिस चीज पर हाथ रखता है वो उसके यहां होने वाला होता है, तो एकबार उसे मार्ट अटैक आता है। इतना भागता है, उसकी नजर में एक और चीज है जो काफी दूर है, वो इतना भागता है, बड़ी तेज भागता है ताकि उसे हाथ लगा ले। लेकिन जैसे वो हाथ लगाने वाला होता है, इधर कोई दो मिनट बाकी है तो उसे हाथ लगेगा, अब वो कपा दे। अब वो जो कुछ उससे जिस चीज पर हाथ रखा वो किसका हो, और उसको
اسی طرح جامعی کی کتاب اور آج کی جو دوسری تلاوت آئی آپ انجیل مقدس سے وہ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں سب بات کی مثال یسوع دیتا ہے. پہلے نمبر پر ایک بندہ آتا ہے یسوع کے ساتھ اور وہ بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا میرے بھائی کو کہہ کہ مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے وہ مجھے کیوں یسوع کے پاس کیوں آتا ہے تو یسوع ایک ربی تھا اور یہ پرانے عہدوں میں بات یہ پائی جاتی تھی کہ جب بھی کوئی ربی اگر وہ گھر میں مسئلہ اٹھتا تھا تو لوگ اس مسئلے کے حل کے لیے ربیوں کے پاس جاتے تھے تاکہ ربی ان کی مدد کر سکے, ربی اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکے. یہاں پہ اب جب یسوع کے پاس آتا ہے تو یسوع سے کہتا ہے, یسوع یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اس کا حل نہیں ہے بلکہ یسوع کہتا کیا تم کس نے تمہیں مجھ پر قائم کر رکھا ہے, کس نے مجھے یہ آپ کے بتایا کہ میں آپ کا انصاف کروں, کیوں کیونکہ اگر تو انصاف کے ساتھ چلے گا تو تیرا بھائی تجھے خود پر خود کہہ دے گا, اگر تو محبت کے ساتھ چلے گا, اگر تو رحم کے ساتھ پیش آئے گا, اگر تو صبر کے ساتھ پیش آئے گا تو تیرے بھائی بھی تجھ پر رحم کرے گا, تیرے بھائی بھی تجھے وہ سب کچھ عطا کرے گا جو تو چاہتا ہے. آج جب ہم دوسری مثال جو ہے وہ ہے سرکار کی, ایک میر بندہ جو صرف اسی نظر میں ہے کہ میں میرے پاس بہت کچھ آ گیا, اتنی فصل ہوا کہ میں بڑی بڑی کوٹیاں بنا ہوا, بڑی زیادہ گودام بنا لوں, بڑا گودام بنا لوں اور اپنی فصل کو اس میں رکھ دوں. اب پھر کہوں گا اپنے جان کو کہ کھاؤ پی اور عیش کرو. اسی طرح کے ایک الفاظ جو ہے ایک پروفیسر کہتا ہے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمارو یو ول ڈائی, کھاؤ پی اور بات کرو کل آپ نے مر جانا ہے. یہاں پہ یہ بندہ اس کے پاس وہی بات ہے کہ کھاؤ پی اور عیش کر, لیکن یہ بندہ کل کی فکر نہیں کرتا, آنے والے وقت کی فکر نہیں کرتا, اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا. اگر خدا نے اسے بہت ساری فصل دی ہے تو وہ دوسروں میں تقسیم کر سکتا ہے, لوگوں کے ساتھ بانٹ سکتا ہے, نادانوں کو دے سکتا ہے, غریبوں کو دے سکتا ہے, یتیموں میں تقسیم کر سکتا ہے, لیکن کیا ہے صرف اس کے ذہن میں صرف ان کی ہے کہ صرف میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, میں اپنی جان کو یہ کہوں گا, میرے لیے یہ ہے, میں وہ ہوں اور سارا کچھ اپنی میں ختم کر دیتا ہے, زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نادان اس بات کو نہیں جانتا کہ کل اس کی جان اسے مل جائے. میرے جیسے اس دنیا میں رہتے ہو جتنی مرضی محنت کریں, جتنا مرضی کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں, جتنی مرضی تک وہ پا لے, لیکن ہمارا اختتام جو ہے وہ ضروری ہے. ایک دن ہم اس زمین سے رغبت کرنا ہے, لیکن اس رغبت کے جو سفر ہے جو خدا نے اس پدائی سے لے کر موت تک وفات تک جو سفر ہے جو یہ درمیان میں وقفہ ہے, اس میں خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پہ دھیان دیتا ہے. بڑے بڑے بلب وفا کرے ندار یہ سب جتنے بھی بڑے مرضی عالم یہ ڈکن مارتا ہے اس سنگیت میں, عالم نے بھی جانا ایک ندار بھی جانا, لیکن فرق یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے, آخرت کے بارے میں بیان دھیان ادھیان کرتا ہے, جھوٹ اور فریب کی لالچ اور دبے بازی کی زندگی کو چھوڑتا ہے اور یہ دھیان کر لے کہ میں نے ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے, میں نے ایک دن خدا کو جواب دیا ہے. میرے جیسے تو اس کے لیے آج کی جو دوسری تلاوت ہے وہ ہماری مدد و معاونت ہوتی ہے. قدس متی کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا یسوع جی کہتا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا جہاں تیرا خزانہ وہاں تیرا دل بھی لگا رہتا ہے. اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں کہتا ہے
कि जब जो इंसान मेहनत करता है उसमें इंसान इतना जब बहुत कुछ हासिल कर लेता है जब उसके पास धन दौलत की कमी नहीं रहती तो उसे नींद तक नहीं आती, परेशान सोचो में मगन है कि मेरे पास इतनी जायदाद है इतनी दौलत है ये किसकी होगी, कौन उसे संभालेगा, कौन उसे पालेगा, कौन उसकी केयर करेगा। इंसान इन बातों की सोच में मगन रहता है, कोई मिले घर में नफर ना लगा ले चुरा ना ले, इसलिए वो अच्छे तरीके से सो भी नहीं पाता। जायदाद का कोई कसरा है, दुनिया के पास उसके पास कसरा से डालता है, लेकिन क्या उसके पास आराम है, सुख है? दौलत क्या हमें सुकून दे सकती है? दौलत क्या हमें आराम पहुंचा सकती है? ऐसा विषय प्राप्त कर सकती है हमारी जरूरियात की जिंदगी में जो है वो हमारी मदद कर सकती है कि हम अच्छे से अच्छी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन क्या वो चीजें हमें सुकून दे सकती है? क्या वो चीजें हमें हमारे हालात को बदल सकती है, हमारी सोच को बदल सकती है? मेरे शिशु भाष्य में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने दिली कमना और दिली सुख के लिए सब कुछ छोड़कर खुदा की तरफ आ जाते हैं। अभी गुजशत चंद साल पहले की एक लड़की थी जो पूरी दुनिया में जो होता है मुकाबला हुसन का उसमें से वो पहले नंबर पर आती है, जो वर्ल्ड का टाइटल हासिल करती है, एक दुनिया के अरूज पर आने के बाद वो सब कुछ छोड़ कर आता है, एक नन बनता है, एक सिस्टर बनता है। इसी तरह अगर हम मुकद्दस फ्रांसिस असीसी को देखते हैं जो बहुत मालदार था लेकिन उसका सब कुछ छोड़ कर आता है खुदा की सम्मान खुदा की तरफ रवाना हो गया, खुदा की तरफ राहत हो गया, खुदा की तरफ चल पड़ा। मेरे जीजो खुदा ने हमें बरकत दी है, खुदा की होना हमारे तसल्ली और तशक्ति है। जैसे आज की जो दूसरी तलावत है जिसमें मुकद्दस पालुस रसूल कुदसी तलाव हाथ में कहता है कि बस तुम अपने जमीनी अजाब को मुर्दा रखो, जमीनी अजाब को मुर्दा रखो, हराम कारी शहवत परस्ती लालच नपाकी बुरी ख्वाहिश जो बुत परस्ती के बराबर है, यानी वो सारी ख्वाहिशें बुत परस्ती। लोग कहते हैं कि बुत परस्ती तलाक का है, मुकद्दस पालुस रसूल यहां पर कह रहा है हराम कारी नपाकी शहवत बुरी ख्वाहिशें और लालच जो बुत परस्ती के बराबर है। अगर हम देखें तो दुनिया का हर बंदा लालच करता है, चल ना घूर का होता है चल थोड़ा तो घूर का होगा, चलो जिधर कोई साइकिल है वो बड़ी चीज मांग लिया, जिधर कोई वटी हो वो तो बड़ी हो गई। लोग इस दुनिया में रहते हुए आशा की रोह में चलते रहते हैं, भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं, लेकिन जो बंदा आखिरत की फिक्र करता है युद्ध जान देता है, जैसे ये करता है कि आने वाले की चीजों की फिक्र में रहो, क्योंकि इस जमीन के बाद आने वाले की तरफ जाना हमारा फर्ज है, ये हम पर वाजिब है, ये हमें पता है। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी का होना जरूर है, हम सब के सब जानते हैं कि जिंदगी के बाद हमें दूसरी जिंदगी में जाना है, इंसान इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ इस दुनिया का होकर रह गया है, दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे भागता है, दुनिया की चीजों को हासिल करने के लिए, अच्छा फलाह की चीज पड़ी है वो भी मेरी होगी, फलाह की चीज है वो भी मेरी होगी, फलाह की चीज है वो भी मेरी होगी। वो गीतना हम गाते हैं ना, तेरे बैल के बारे इतने ही रहता हूँ, जो जब गीत कहते हैं सुनाल पड़ी थी बिना सब अपनी करता हूँ, उसमें क्या है जितने भी बहन के बारे में बनाए सारे कितने रह जाए। अफ्रीका में एक भेजा है क्योंकि ये अफ्रीका को बोला अफ्रीका बढ़िया, जो अफ्रीका के अंदर कीनिया के अंदर एक को भेजा है, और जब भी इंसान उनका उस कबीले का मरता है उसे कपड़े पहना तो कब्रस्तान तक ले जाते हैं, लेकिन दफनाते हैं उसे विदाउट कपड़ों के, ना वो कहते हैं खाली आया और खाली पड़ता है। इस जिंदगी में भी तो इसी तरह आया था और इसी तरह हम जिंदगी में तुझे भेज रहे हैं,
फ्रांसिस रोज से जीत में गाते हैं छाड़ दुनिया दिया खाशा इंतजार का दिया ने तेरे सफेद लिबास में तेरी का गाती है। हमारे खुदा ने हमें बपतिस्मा के सैक्रामेंट के जरिए से हमें खूबसूरत लिबास पहनाया गया, हमें बड़े खूबसूरती के साथ जांचा गया, परखा गया और हम यीशु के शागिर्द बन गए। और तो मेरे शिशु हम खुदा यीशु के शागिर्द बनते हैं जब हमारा मिशन हमें दिया जाता है कि हम भी यीशु के मिशन को, हम भी यीशु की मोहब्बत को, हम भी यीशु के रहन को, हम भी यीशु के फजल को, हम भी यीशु की कुवत को, हम भी यीशु के हिकमत को दूसरों को तकसीम करें। अपना सिर्फ अगर इंसान सिर्फ यूं सोचता है मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं हूं, तो फिर जिंदगी कामयाब नहीं, बल्कि हमें अपनी हर एक सांस में खुदा को शामिल करने की जरूरत है। हर सांस जो है वो हमें ये जरूर बताती है कि खुदा की बरकत है आपके पास। जैसे इस दुनिया में जो अच्छाई के काम कर गया अब्दुल सार एली, जैसे अच्छाई को जन्म दिया, अच्छी राह पर चला, लोगों से आदमी अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। डॉक्टर सिस्टर रूथ का जो हमारे अपने ही मुल्क में जर्मन से आई और कोविड के मरीज को जो है वो पाकिस्तान से खत्म कर दिया, कोड़ियों को गले से लगा लाना, कोड़ियों की तबादारी करना, कोड़ियों के जख्मों को साफ करना और फिर पाकिस्तान को कोड से पाक करा दीजिए उसने अपना करदार अदा किया। और जब तीसरा इसलिए इस माशरे में अपने लिए कुछ नहीं, फिक्र सिर्फ लोगों की है, दूसरों की फिक्र करना, दूसरों की मदद के लिए तैयार हो रहा है। जब हम आगे बालक की चीजों की फिक्र में जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में सफर आ जाता है, सुकून आ जाता है, मोहब्बत आ जाती है, रहम आ जाता है, बहाली आ जाती है, फिर हमारा जो पेश है हमारी सूरत जो है वो बदल जाती है, फिर हम इंसानों से नफरत नहीं करते, फिर हम इंसानों से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, फिर हम इंसानों को खुदा की तरह और खुदा जैसा कबूल करना शुरू कर देते हैं। आज जब हम आप सारे मिलकर यूसुफ मसीह के पास आए हैं तो आज जैसे मुकदस पालस सुकुल्स के इंग्लिश में कहता है कि पुरानी इंसान और उसके उसके कामों से भेद उसे होता है, पुरानी इंसान जो फिर गलत से मत में लेके जाती है, जो गलत सोच की तरफ लेके जाती है, जो गलत रास्ते की तरफ लेके जाती है, मुकदस पालस सुकुल्स कहता है उसे उतारे और नए इंसान को पैदा, नए इंसान बनते जो सिर्फ सफर में, मोहब्बत में, रहम में, इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों की फलाह के लिए, इंसानों की को बचाने के लिए फिक्रमंद रहता है। मेरे शिशु हम भी आए यीशु की तरह, यीशु जैसा होकर दूसरों को बचाने के लिए काम करें, सिर्फ अपने बारे में कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, हम सब एक ही जाना है। और जाते हुए हमें अच्छा काम जो खुदा हमसे करवाना चाहता है कि आए इंसानों की भलाई के लिए काम करें, आए खुद निजात हासिल करके तो दूसरों को भी उस निजात में शराकत दे, दूसरों को भी यीशु की तरफ लाए। और मैं चाहता हूँ कि मैं बचूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने खानदान, अपने जीजू का, अपने दोस्त के पास और बाकी सबको बचाने की भी कोशिश करूँ। आइए खुदा से दुआ करें, खुदा हमें अपने फजल से नवाजे ताकि हम इस जिंदगी में हमेशा दे और सही जज्बे का दान करें और हमेशा अपने बारे में बल्कि दूसरों को इकट्ठे साथ लेकर मिलकर यीशु के बारे में इंतजार करते जाए उसी खुदा की वसीली से। आज जिस हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें, यीशु का अपना मैं तुम्हारा पिता खुदा का बेटा हूँ, बाप है जो आसमान और जमीन का मालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा महान हमारा खुदा है, वो हमारी जिंदगी कमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस मिला तो उसके हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया,
خدا کا ترمتری باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے وہاں سے وزندوں اور مردوں کے دائرے کے لیے آنے والا ہے میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر اور کہتے ہیں کلیسا بچوں کی شراکت گناہوں کی معافی جسم کے جیون میں اور ہمیشہ کی زندگی پر تمام عرضے ملتے پیادے تمام لحاظ سے جو آج ہم خدا ہم یسو کے پاس آئے ہیں خدا باپ کے ذرے میں پیش کریں دعا کرتے اپنے روحانی چپان پاپا اعظم کے لیے کہ شفیع کو مہربان خدا ہمیشہ ہم کی مدد تو معلوم کرے وزیر ضرور دعا کرے ہم دعا بھی کرتے ہیں آج ان تمام بیماروں کے لیے دوبارہ دعا کے لیے سفارش کرتے ہیں کہ مہربان زندہ خدا اچھی پاک ناز کی طبیعت اتنی قابل شفا ہمارے ضرور دعا کرے خدا ہماری دعا سن ہم دعا کرتے ہیں ڈینیل کے خاندان کے لیے اور اپنے بیٹے داؤد اور سلیمان کے لیے کہ مہربان زندہ خدا ہمیشہ اپنی برکت اور رحمت و فضل سے معمول کرے عزیز ضرور دعا کرے اے خدا ہماری دعا سن تمام ایمانداروں کے لیے دعا کرتے ہیں جارج الگ تاش اقبال سنائبہ سر جارج فیزا مزودہ رفیق کے لیے کہ مہربان زندہ خدا ہم سب کے بشر کمزور معاف کرے انہیں مقدس جگہوں میں شامل کرے عزیز ضرور دعا کرے اے خدا ہماری دعا سن تمام بے روزگاروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا یسوع نے اچھا روزگار عطا کرے کا دعا کرے رضا کرے کہ خدا یسوع اپنے بیٹے پر اپنی جانور کی نگاہ کرے تاکہ وہ اچھی روزگار حاصل کر کے بے شوق خدا نام کو چلا دے اسے ضرور دعا کرے اے خدا ہماری دعا سن تمام زائرین کے لیے دعا کرتے ہیں جو مقدس مریم کی سفارش آتے ہیں کہ شفیع کو مہربان ماں ان کی ساری حاجتوں درخواستوں منتوں اور فریادوں کو پورا کرے دعا کرے اے خدا ہمارے دعا سن Thank you.
ہے کہ ہماری زبان خدا کا تو کوئی باپ کے ذریعے نہیں ہو خدا ہمارے خدا ہم تو منت کرتے ہیں اپنے رحم و کرم سے ندیوں کو پار کر اس روحانی قربانی کی نظر رہے گی جس کے ذریعے تو ہمیں ایک کامل نذرانہ بنائے گا ہم یہ توفیق عطا کر مسیح خدا کی وجہ سے لکھتے خدا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہو ہم خدا کی طرف دھیان لگائے ہم دھیان لگاتے ہیں ہم خدا اپنے خدا کا شکر ادا یہ باتیں بہت درست ہیں ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر اس مرد کو دوبارہ زندہ ہو کر یہ عظیم کام کیا کہ ہم گناہ اور موت کے جوئے سے آزاد ہو کر تیرے پیارے فرزند بنے شاہد کہان پاکم اور برگزیدہ قوم کہلائیں تجھے میں تاریکی سے اپنے جلال کے نور میں بلایا اسے اپنی قدرت کے کام بیان کرتے ہوئے فرشتوں اور آسمان کے تمام بشندوں کے ساتھ لگاتار کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں قدوس قدوس خداوند لشکروں کے خدا آسمان زمین تیرے جلال سے معمور ہیں عالمی بالے پر ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے عالمی بالے پر ہوشانہ مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے تو پاک ہے اور ہر پاک کی تو دل سے آتی ہے ہماری اور اپنے بچوں کی دعائیں تاکہ یہ نذرانے پاک اور مقبول ہو اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا وزن اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تم نہ آئے پس باپ ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں ہم زندگی کروڑوں نجات کا پیارا تیرا پیش کرتے ہیں
بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے اے خدا ہم اس سے گزار کرے اور ساتھ میں میرے روحانی باپ اور پران سے ہمارے بشر سبیسٹین اور اپنے سب خاتم کو یاد کرے تیری کلیسیا سے تم بات دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسی قابل بہت بڑا ہمارے تم بھائی اور بہنوں کو ابھی کر جو جیو کی امید رکھتے ہوئے سو گئے نیز تمام لوگوں کو یاد کر ان کا میرا میں تو بول فرما ہم تو زمین کرتے ہیں سب کا ہم گئے تاکہ ہم خدا کو مبائی باپ کا بھائی بڑھ اس کا رہا تھا غصہ اور ان سے مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے ہو ہمیشہ اپنی زندگی میں شریک ہو اور تیری بیٹی یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکے
Yeah.
साढ़े छः बजे और दूसरी प्रार्थना सुबह साढ़े आठ बजे होती है। रोज़मर्रा दिनों में हमारी इबादत का वक्त सुबह साढ़े पाँच बजे का है। आप सभी इबादत में शरीक होकर खुदावत के फजाइल को, खुदावत की रहमत और बरकत और उसकी नियमतों को अपनी ज़िंदगी में, खानदानों और अपने घरानों में आज से कर सकते हैं। इसके अलावा बात ऐलान किया जा रहा है कि जिन बच्चों के इस्तेकाम का सैक्रमेंट होने वाला है वो बराए मेहरबानी अपना नाम लिखवाएं। उनकी उम्र जो है वो कम से कम 14 साल हो, और जिन बच्चों ने अभी तक पहली पाक शराकत नहीं की और वो इतराफ़ का सैक्रमेंट हासिल करना चाहते हैं वो भी अपने नाम लिखवाएं। और आइंदा जो इतवार है, आने वाला इतवार है, उससे हम बाकायदा तौर पर इन दोनों सैक्रमेंट्स की तैयारी जो है उसको शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं बराए मेहरबानी शाम के वक्त 3 बजे जो है वो चर्च में आया करेंगे और इस्तेकाम और इत्राफ़ के सैक्रमेंट की तैयारी होगी। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि इस दफ़ा सितंबर में 9, 10 और 11 तारीख को 73वीं सालाना ज़ियारत मुकस्सा मरियम है। तो आप सभी इस प्रोग्राम को, सारी ज़ियारत को अपने शख्सी और ख़ानदानी दुआओं में याद रखें, ताकि हम सभी मिलकर इसी तरह हमेशा अपने खुदावंद की इबादत करते रहें, अपने खुदावंद की हमद सना करते रहें और अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम को जलाल देते रहें। और जितने भी लोग बराए मेहरबानी बारहा समझाया जाता है, कहा जाता है, जब पाक शराकत लेने के लिए आते हैं बहुत सारे लोग अपने हाथों को जो है इस तरह बंद किया होता है और अपने साथ लगाया, बराए मेहरबानी थोड़े से अपने हाथ जो है वो खोले और सामने की तरफ करें ताकि फादर जी आपको पाक शराकत दें, तख बनाया करें अपने हाथों पर ताकि आप इजीली आप भी पाक शराकत दे सकें और फादर जी भी आपको पाक शराकत दे सके। तो अपने हाथ जो है वो ज़रा थोड़े से खोला करें और सामने की तरफ रखा करें। जो स्कूल के टीचर्स है वो रेगुलर स्कूल आया करेंगे और बच्चे जो हैं वो 10 तारीख के बाद जो हैं 11 से बच्चे जो हैं वो स्कूल में वापस आएंगे। 10 दिन के लिए जो है ये टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, इसमें दोबारा से रिव्यू करवाया जाता है टीचर्स के लिए। तो बच्चों को जो है वो 10 एक्स्ट्रा जो छुट्टी है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है वो उन्हें मयसर होंगी, लेकिन टीचर्स की छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मतलब कल यानी मंडे से जो है वो टीचर्स जो है वो स्कूल में वापस आते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो आएंगे वो 14 अगस्त के हवाले से जो है यानी टीचर्स लागू करते थे बच्चों के नाम वो टीचर बता देंगे, तो वो 14 अगस्त के प्रोग्राम के हवाले से वो तैयारी के लिए बच्चे स्कूल आएंगे। खुदा तुमने हमें आसमान से तैयार कर दिया ऐसी रोटी बख्शी जिसमें हर तरह की लज्जत और फरजाई की शरीर में पाई जाती है, हम दुआ मांगते हैं। खुदा हमारे खुदा, तूने आसमानी नियमों के जरिए हमें ताज की बख्शी, हमेशा हमारा साथ है और वक्त हम पर अपना रहम और करम नाजिल फरमा और हमें इसे काबिल ठहरा कि अब भी न जा पाएंगे। खुदा के वसीले से खुदा आपके साथ हैं और पुत्र खुदा बाप और बेटे और कुदस से बढ़कर आप सब नासर हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत हो चुकी, हमेशा खुशी और सलामत हो और आप सब तो खुदा Thank you.